Good evening students. Our topic number 8, application of derivative, exercise number 8.2. आज हम tangent and normal के बारे में पढ़ेंगे कि ये कोई curve है. X axis, origin and y axis. ये curve है. और curve के ये हमने क्या डाल दिया? क्या ये हमारा tangent? ये क्या होता है भाई? Tangent, right? और ये क्या है? ये है normal. ये क्या कहलाता है? नॉर्मल. ठीक है ना? किस पॉइंट के ऊपर भाई? एट द पॉइंट, आप यहां देख सकते हैं, एट द पॉइंट एक्स वन एंड वाई वन. ये जो है ना पी पॉइंट, इसके ऊपर क्या डाला है हमने? टेंजेंट और नॉर्मल. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? नंबर एक स्लोप. नंबर एक क्या पढ़ेंगे भाई? स्लोप. नंबर एक स्लोप पढ़ेंगे. इसमें पढ़ेंगे भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है ना? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? कोई कर्व है, मान लो ये कर्व है हमारे पास 2x+3. ठीक है ना? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाय dx, यही क्या कहलाता है भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट. dy बाय dx ही क्या कहलाता है हमारा? स्लोप ऑफ टेंजेंट. एट द पॉइंट, एट द पॉइंट एक्स वन एंड वाई वन, ये क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. एक हम सीखेंगे इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल. क्या सीखेंगे भाई? स्लोप ऑफ नॉर्मल सीखेंगे. वो क्या होता है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट डिवाइड बाई डी एक्स. स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/ स्लोप ऑफ टेंजेंट डिवाइड बाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वन एंड वाई वन. नंबर एक के लिए ठीक है ना, स्लोप सीखेंगे. ये तो जब है, जब कर्व गिवन है तब स्लोप निकालना. आप ये भी जानते हैं कि भाई जो स्लोप है हमारा, स्लोप कैसे निकाला जाता है? कोई लाइन है AB, ए के कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे x2 एंड y2. तो स्लोप m से डिनोट करते हैं, सभी बच्चे जानते हैं. ठीक है ना? और क्या होता है स्लोप? y2 - y1, y2 - y1 / x2 - x1, x2 - x1. ये भी स्लोप निकालने का तरीका है. और यदि हमें एंगल गिवन है, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है और फिर स्लोप पूछता है, m क्या होता है? किससे डिनोट करते हैं हमको? स्लोप को m से डिनोट करते हैं. और m क्या होगा? अब हमारा एंगल गिवन है तो tan 60 tan थीटा. ठीक है ना? tan थीटा ये क्या कहलाता है भाई? स्लोप कहलाता है. यदि एंगल गिवन है तो tan 60 हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू √3. यही हमारा क्या है? स्लोप है. तो ये स्लोप निकालने के तरीके हैं हमने. ठीक है, कोई कर्व गिवन है तो उसका डेरिवेटिव कर दो, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा. यदि दो पॉइंट गिवन है तो उनका स्लोप y2 - y1 / x2 - x1, और यदि एंगल गिवन है तो उसका टेंजेंट ले लो, वही क्या होता है हमारा? स्लोप होता है. तो ये था स्लोप के बारे में. इसके बाद हम सीखेंगे भाई नंबर 2, पॉइंट्स. ठीक है ना? क्या निकालना सीखेंगे? पॉइंट्स निकालना सीखेंगे. आज हमने दो ही चीजें सीखेंगे कि एक तो स्लोप और सेकेंड एक पॉइंट. पॉइंट निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, तब हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या होगी भाई? फर्स्ट कंडीशन कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, या टेंजेंट लिख देता हूं सीधा, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दिस इंप्लाइज क्या होगा? यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx = 0. ये हमने रोल्स ने प्रूव की थी ये बात. किसी कर्व का टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy/dx = 0. वहां लिखते थे f(c) = 0. बोथ आर सेम. ठीक है, सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे भाई. टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा भाई? dx/dy = 0. टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो dy/dx = 0. टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस तो dx/dy = 0. इट मींस क्या सिखाई इसमें आपने? कैसे याद कर सकते हैं? यदि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होगा, = 0. dy/dx = 0. टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस तो इसको कैसे समझ सकते हैं? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 होगा, dx/dy. d / dy का मीनिंग
डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो होगा, ठीक है। अच्छा दो कंडीशन और है कि भाई टू कर्व्स हैं वो यदि पैरेलल है, नंबर थ्री टू कर्व्स आर पैरेलल, पैरेलल है टू कर्व्स आर पैरेलल तो क्या होगा उनके स्लोप भी इक्वल होते हैं, ये आपने पढ़ा है पहले भी। और नंबर चार यदि परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं तो ये स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस वन, एम वन डॉट एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, ये पॉइंट्स निकालने के काम आएंगे आज के जो वीडियो में हम ये सारी बातें सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो स्लोप निकालना सीखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है भाई, वाई इज इक्वल टू 3x² - 4x एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2। इसमें हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालने हैं, तो आप सभी जानते हैं कि भाई इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, सीखा है आपने डिफरेंशिएशन, डीवाई बाई डी एक्स कीजिए भाई, 3 × 2 = 6x - 4, ठीक है। ये डीवाई बाई डी एक्स क्या है, ये डीवाई बाई डी एक्स क्या है भाई, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट है भाई ये डीवाई बाई डी एक्स, यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू के ऊपर। तो डीवाई बाई डी एक्स में एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 2, तो 6 × 12 - 4 = 8, क्या है ये 8, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। अच्छा सेकंड पढ़ेंगे भाई स्लोप ऑफ ए नॉर्मल, स्लोप ऑफ ए नॉर्मल, ठीक है ना, क्या होता है भाई -1/dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1/ क्या है भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट 8 एट द पॉइंट, तो ये क्या है स्लोप ऑफ ही नॉर्मल, टेंजेंट का जो स्लोप है ना उसको -1/ में लिख दो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, तो ये होता है स्लोप निकालना। अब क्वेश्चन नंबर 1 में dy by dx निकालना सभी बच्चे जानते हैं, चाहे वो पैरामेट्रिक फॉर्म हो और चाहे वो सिंपल फॉर्म हो, तो वो ही क्या होगा हमारा स्लोप होगा, तो आपने स्लोप निकालना सीख लिया। अब सेकंड हम सीखेंगे भाई पॉइंट्स निकालना, या एक क्वेश्चन और देख लो, एक दो क्वेश्चन लगभग, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टू में है प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व, ये भाई द गिवन कर्व इज, कैसे लिखेंगे द गिवन कर्व इज, कर्व क्या गिवन है भाई वाई इज इक्वल टू x² - 5x + 6, ठीक है, एट द पॉइंट 2 0 3 0 आर एट ए राइट एंगल, ये प्रूव करना है कि इनके ऊपर हमारे जो कर्व है ना वो राइट एंगल होगी 2 0 पे और 3 0 पे, तो हम राइट एंगल दिखाने के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 / m2 = -1 आ जाता है, तो वो क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, राइट। देखो अब इसका सबसे पहले स्लोप निकाल दो, स्लोप निकालेंगे भाई इसका सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, स्लोप निकाल लो इसका dy by dx निकालिए स्लोप में, तो ये हो जाएगा भाई 2x - 5, ये स्लोप आ गया, ठीक है। एट द पॉइंट एक तो 2 0 पे है भाई, तो 2 0 पे इसको मैं m1 का नाम दे देता हूं, m1 स्लोप 2 0 पे निकालो भाई, x = 2 y = 0 पुट करो, x = 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4 - 5 = -1, ये है भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 एट द पॉइंट 2 0। एक उसने कहा है कि एट द पॉइंट 3 0 पे निकालो, 3 0 पे निकालेंगे तो मैं उसको m2 का नाम दे देता हूं स्लोप नंबर 2, कीजिए भाई x को 3 y को 0, x को 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 और -5 = 1, ठीक है। अच्छा अब ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर के लिए m1 / m2, अभी m1 कितना -1 और m2 कितना +1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -1, देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यही था हमें, यही हमें प्रूव करके दिखाना था इस सवाल में, परपेंडिकुलर दिखाना है तो स्लोप निकालो पहले dy / dx, एट द पॉइंट 2 0 पे ये स्लोप आया और एट द पॉइंट 3 0 पे ये स्लोप आया, दोनों का यदि m1 m2 की मल्टीप्लाई करें और वो -1 के बराबर आ जाए, इट मींस दोनों का आपस में क्या रिलेशन है परपेंडिकुलर का, यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं स्लोप इक्वल है m1 और m2 इक्वल है तो क्या रिलेशन होगा पैरेलल का, ठीक है, पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल कर्व्स आर पैरेलल, स्लोप्स का प्रोडक्ट यदि -1 के बराबर है तो क्या रिलेशन होगा परपेंडिकुलर, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सब सेम है, एक जैसे है, अब हम पॉइंट्स निकालना स्टार्ट कर दिया अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 4 में हम पॉइंट्स, पहली हमारी कंडीशन होगी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास
भाई बात करो हमारे पास है y is equal to 3x square minus 12x plus 6, ठीक है, at which the tangent is parallel to x axis. पॉइंट्स निकालने के लिए हमें कंडीशन देगा, क्या कंडीशन दे दी हमें भी कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, dy by dx is equal to 0 होगा, तो इसका क्या कर दे, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका क्या कर दे, डिफरेंशिएशन, y का हो जाएगा भाई dy by dx, कीजिए 3 टू जा 6x माइनस का 12, अब क्या गिवन है भाई, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये गिवन है, ये कंडीशन, ये गिवन है, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to 0 होगा, ये कंडीशन है हमारी पॉइंट्स निकालने की, फर्स्ट कंडीशन का यूज हो रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, dy by dx is equal to 0 होगा, इसको 0 पुट करो dy by dx को, that is equal to 6x minus 12, तो क्या होगा भाई, 6x is equal आ जाएगा 12, इतना कि पॉजिटिव हो जाएगा और 6 टू जा 12, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ गई, एक पॉइंट आ गया 2, दूसरा पॉइंट यहां से पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दो भाई इसको, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू एक्स की जगह 2 रखेंगे भाई, माइनस 12 इंटू 2 और प्लस का 6, तो y की वैल्यू आ गई भाई 2 टू जा 4 3 जा 12 माइनस का 24 प्लस का 6 दैट इज इक्वल टू माइनस का 6, तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, क्या आ गए भाई पॉइंट्स, x कोऑर्डिनेट तो आ गया हमारे पास 2 एंड y कोऑर्डिनेट आ गया माइनस का 6, तो इसको बोलते हैं पॉइंट्स, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देख लो, सेम यही कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखिए, तो इसमें हमारी फर्स्ट कंडीशन यूज हुई है पॉइंट्स निकालने की, अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन का यूज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, द गिवन कर्व इज, द सेकंड पार्ट कर लेते हैं 5 का, गिवन कर्व इज क्या है भाई, कर्व हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या दी है, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, तो भाई टेंजेंट जब y एक्सिस के पैरेलल है तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, इट मींस क्या करना है भाई, dx अपॉन dy डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट कर दो भाई, विद रिस्पेक्ट टू y की कर दो, y की करेंगे तो भाई 2 पहले पावर का 2x पावर का हो गया, और x का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो भाई dx अपॉन dy विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा, प्लस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 2y माइनस 2 x का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो dx अपॉन dy माइनस का 4 और y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का 0 इक्वल टू 0, अब ये यूज करो भाई, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस तो dx अपॉन dy क्या होगा 0, ये 0 होगा भाई, तो ये पोर्शन 0 हो गया, ये पोर्शन 0 होगा, क्योंकि dx अपॉन dy को 0 लिखेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 क्या बचा 2y बचा, और यहां माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 0, 2y को टेकिंग राइट हैंड साइड तो 2y इज इक्वल टू प्लस का 4 हो गया और y की वैल्यू आ गई भाई 2, y इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, किस में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, और किसकी वैल्यू निकालो भाई, x की वैल्यू निकाल लो, हमारे क्या आ जाएंगे पॉइंट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में यही कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये हमारी कर्व है भाई y is equal to x cube हमारी कर्व है फर्स्ट, ठीक है, क्या की बोले भाई, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या की बोले भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है, तो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है भाई dy by dx, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है भाई, dy by dx किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है, y के इक्वल है, ये गिवन है, तो इसका dy by dx निकाल लेते हैं, क्या कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा भी dy by dx दैट इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन भी 3x स्क्वायर, यहां पुट करो इस कंडीशन में, अब dy by dx की जगह क्या पुट करेंगे 3x स्क्वायर, यहां लिखो
3x2 गिवन था हमें, दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू, ये y की वैल्यू टेस्ट से भाई क्या है y की वैल्यू x2 दैट इज इक्वल टू x2 हो गया। इसको उधर लाओ तो x2 माइनस ये उधर जाके माइनस हो जाएगा भाई राइट हैंड साइड में 3x2 इज इक्वल टू 0 क्या कॉमन है दोनों में से भाई x2 कॉमन है x - 3 इज इक्वल टू 0 ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ठीक है। फर्स्ट में पुट करो x 0 होगा तो y भी क्या होगा भाई 0 तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 0 0 दूसरा x 3 होगा तो यहां 3 लिखो तो भाई y क्या होगा y होगा 3 का पावर 3 27 सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया 3x है और y क्या है 27 ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए यही पॉइंट होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलती है हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है ठीक है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल मत सीखो उसकी स्टेटमेंट को समझो स्टेटमेंट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट 8 ए की पार्ट है भाई द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है टेंजेंट एक लाइन के पैरेलल है भाई व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर 30 एंड 41 ये एक लाइन है कोई ए बी ठीक है ना इसके क्या है पैरेलल है पैरेलल है तो क्या होगा टू कर्व या टू लाइंस आर पैरेलल तो उनके स्लोप इक्वल होंगे मैं बात करूं इसके स्लोप की m2 का नाम दे देता हूं इसका स्लोप भाई क्या है ये स्लोप m2 स्लोप कैसे निकाला जाता है बताओ ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है मैंने पहले बताया था y2 - y1 अपॉन x2 - x1 y2 - y1 अभी नहीं बताया था y2 - y1 अपॉन x2 - x1 अभी 1 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 3 क्या आया भाई 1 अपॉन 1 तो ये m2 आ गया हमारे पास 1 ही आ गया ये है उसका लाइन का जो पहले लाइन है ना उसका स्लोप 1। अच्छा इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट से भी बची जाए तो इसका स्लोप क्या होता है dy/dx क्या होता है भाई dy/dx डिफरेंशिएशन कर दो 2 आगे x -3 की पावर 2 माइनस 1 1 आ जाएगा और फिर बेस का करेंगे तो x का 1 आ जाएगा 3 का 0 यही आ गया क्या आ गया भाई मैं लिख देता हूं 2x माइनस का 2 3 जा 6 दोनों में क्या रिलेशन है पैरेलल है ना भाई क्या है पैरेलल है आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे m1 इज इक्वल टू m2 इसको मैं m1 का नाम दे देता हूं इस स्लोप को किसका नाम दे देता हूं m1 का 2x माइनस का 6 ये m1 है कर्व का स्लोप है और ये स्लोप किसका है लाइन का दोनों में किसका रिलेशन पैरेलल का तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे ठीक है m1 है 2x माइनस का 6 दैट इज इक्वल टू m2 है 1 ठीक है ना माइनस का 6 टेकिंग राइट हैंड साइड तो 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 6 7 हो जाएगा दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आगे भी 7/2 2 कहां आएगा डिनोमिनेटर में एक कोऑर्डिनेट आ गया x कोऑर्डिनेट 7/2 पुट करो भाई फर्स्ट में पुट कर दो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा भाई x की जगह 7/2 रखेंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई ये 2 3 जा 6 7 माइनस 6 1 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 तो ये पॉइंट्स आ गए भाई हमारे पास पॉइंट्स आ गए x पॉइंट तो 7/2 y पॉइंट 1/4 ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं पैरेलल की कंडीशन है तो स्लोप को इक्वल लिख देंगे परपेंडिकुलर की कंडीशन होगी तो स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस 1 लिख देंगे ये जो मैंने चारों कंडीशन लिखी हुई है ना इन्हीं का बार बार यूज होगा पॉइंट्स निकालने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सेम है अभी जो किया था भाई ये कर्व है द गिवन कर्व इज कर्व हमारे पास है भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 30 एंड और क्या है भाई टेंजेंट इज पैरेलल टू अब मैं यही की देता हूं भाई पैरेलल टू टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्व लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 फिर वही किसकी कंडीशन आ गई पैरेलल की तो दोनों के स्लोप क्या होंगे इक्वल होंगे दोनों के स्लोप क्या होंगे इक्वल इसका स्लोप क्लियर है डिफरेंशिएशन कर दो स्लोप आ जाएगा अभी 2x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 2x का तो 2 प्लस 3 y का क्या होगा भाई dy/dx और 7 का 0 तो यहां से dy/dx निकाल लो ये स्लोप है
2 इधर आएगा, कैसा आएगा, माइनस का 2 और 3 का आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसको m2 का नाम दे देते हैं भाई, ये स्लोप लाइन का है, ठीक है। और आपने डायरेक्ट भी पढ़ा होगा स्लोप, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, याद होगा लाइन का स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, सीधा कर लो डीवाई बाय dx कर लो बोथ आर से। अब इसका स्लोप, इसका डिफरेंशिएशन कर दो ये स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, कीजिए डीवाई बाय dx होता है स्लोप 2x, इसका भी 2y और y का dy by dx और 13 का 0, ठीक है। 2x को टेकिंग राइट हैंड साइड तो भी 2y into dy by dx is equal to 2x, राइट हैंड साइड में जाके कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और ये 2y मल्टीप्लाई में है, यहां से हटाओ 2y को टेकिंग राइट हैंड साइड तो ये आ गया भाई m2 का नाम दे देता हूं भाई इसको स्लोप नंबर 2, क्या आ गया माइनस का x अपॉन y, ये m2 m1 2 तो उसमें है ना m1 sorry. ये कर्व का स्लोप और ये लाइन का स्लोप, ये m1 और ये m2 दोनों में किसका रिलेशन है, पैरेलल का रिलेशन है भाई, पैरेलल है तो क्या होगा m1 is equal to m2, उनके स्लोप इक्वल होंगे पैरेलल है तो, इसका भाई माइनस का x upon y that is equal to इसका उसका है माइनस का 2 upon 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई भाई, y को इधर ले आओ तो 2y 3y, एक कंडीशन मिल गई हमें भी, x की वैल्यू आ गई 2y by 3, किसमें पुट करेंगे भाई हमेशा फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करो, यहां करो x की जगह लिखो बेटा 2y upon 3 फर्स्ट में, तो 2y upon 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ये आ जाएगा स्क्वायर करो 4y स्क्वायर upon 3 का स्क्वायर 9 प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 13 भाई, 9 क्या आएगा एलसीएम, यह 9 आ जाएगा 4 प्लस 9 13 y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 13, ठीक है 13 से 13 कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू आ गई भाई प्लस माइनस का 3, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है y बराबर प्लस 3 रखेंगे एक बार माइनस 3 यहां रखो वहन यहां कर देता हूं यहां कर देता हूं ध्यान से देखना वहन y is equal to plus 3 तो this implies x is equal to ये रहा x पे 2y by 3 ये है x तो यहां plus 3 रखो तो x यहां 3 रखेंगे तो 3 से 3 cancel x की वैल्यू क्या जाएगी 2 आ जाएगी आ इसमें रखना है इसमें x की वैल्यू में y बराबर plus 3 रखा तो पहला पॉइंट आ गया भाई x तो 2 है और y 3 है x कोऑर्डिनेट आ गया वहन सेकंड लिखो वहन y is equal to minus 3 तो this implies x is equal to यहां minus 3 लिखेंगे तो 3 से 3 cancel minus 2 आ जाएगा second point आ गया भाई x तो minus 2 और y minus का 3 ये दो points आ गए ऐसे निकाल दे यहां condition भी आ सकती है या एक coordinate की value भी आ सकती है कोई भी एक चीज आएगी ठीक है ये था parallel का 9 का first अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट देखेंगे आप उसमें परपेंडिकुलर की कंडीशन होगी उसमें किसकी होगी परपेंडिकुलर की जब दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा उनके स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होगा तो एक तो फर्स्ट कर्व ये है भाई y इज इक्वल टू 3x² + 4 ठीक है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इसके परपेंडिकुलर अभी उन स्लोप इज M2, M2 ही गिवन है, -1/6, या कोई कर्व भी गिवन आ सकती है, उसका स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है ना, उसको M2 का नाम, यहाँ स्लोप भी दे दिया हमें पहले, ठीक है, तो इसका स्लोप निकालो, क्या कर दो इसका भाई, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, बोलिए y का dy by dx, ये dy by dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही स्लोप है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भाई 3 × 6x, बस ठीक है इसको किसका नाम दे देते हैं m1 का नाम दे देते हैं वो क्या है m2 दोनों में क्या रिलेशन है परपेंडिकुलर तो क्या होगा m1 dot m2 is equal to -1 m1 कितना भी 6x मल्टीप्लाई m2 कितना -1/6 और that is equal to -1 ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है 6 से 6 कैंसिल ठीक है माइनस का x is equal to -1 minus minus plus x की वैल्यू क्या आ गई भाई 1 इसमें पुट करेंगे हम सब पुट इन फर्स्ट में पुट करो x की जगह 1 लिखो तो भाई y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 1² + 4 तो ये 7 आ गया ठीक है ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास x 1 और y 7 ठीक है
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फैसला। तो ये था पॉइंट्स निकालना और स्लोप निकालना हमने सीख लिया है। और इतना होने के बाद बेटा इसके आगे जितने भी हैं, इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, उनमें इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक है ना। उसमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। ओके।